नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किसान सेवा में। आज के इस वीडियो के अंदर जो वैरायटी दिखाई जा रही है आपको, यह है NRC की 138, जो कि 24 जून 2022 को सोइंग की गई थी और आज यह वैरायटी लगभग 65 दिन की अवस्था में है। आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी तगड़ा फाल आया है, फलियाँ ही फलियाँ हैं। यह वैरायटी 2021 के सत्र में रिलीज की गई है। इसकी फलियों के ऊपर भी रोए हैं और तने पर भी मध्यम रोए हैं और यह वैरायटी लगभग 90 दिनों में पककर तैयार होने वाली वैरायटी है। इसके पत्ते भी आपको लगभग लगभग 95-60 जैसे ही दिखेंगे। हमने इस वैरायटी को इस साल ट्रायल के हिसाब से लगा रखा है। आप देख सकते हैं सारे प्लॉट में एक जैसा ही पोट्स बने हुए हैं। फलियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और हाइट का भी कोई इश्यू नहीं है। अभी इसको एक बारिश की और आवश्यकता है पकने के लिए, क्योंकि अभी यह वैरायटी 65 दिन की अवस्था में ही है। आपको मैं बताता हूँ, आप देख सकते हैं काफी अच्छी संख्या में इसके अंदर फली आई हुई है। पूरे प्लॉट में सीड रेट की बात करें तो हमने इसका सीड रेट बड़े बीघे में लगभग 18 किलोग्राम डाल रखा है। 18 किलोग्राम सीड डालने के बावजूद भी इसके हाइट में कोई इश्यू नहीं है और अगर इसे 1-2 kg सीड और कम होता तो भी अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करती। आप देख सकते हैं इसके अंदर ब्रांचिंग भी काफी ज्यादा है। आपको मैं एक सिंगल पौधा इसका उखाड़ के दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, फलियां ही फलियां लगी हुई है। इसके इंटरनोड काफी पास पास में है और एक एक लूम्स में कम से कम 6 से 7-7 फलियों के लूम्स है। इसमें ज़्यादातर 2 दाने की फलियां हैं, 3 दाने की फलियां भी इसके अंदर हैं। काफ़ी ब्रांचिंग है और नंबर ऑफ राइजोक्टिनिया भी इसके अंदर अभी तक एक्टिव है। 66 दिन की अवस्था में भी आप देख सकते हैं बहुत सारी वेराइटियों में ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं आपकी इस वैरायटी के बारे में। आपको और कोई जानकारी चाहिए तो